say bye, Aziz. Yeah. Reem Sameer Sheik. Yeah. And let's start our interview with Tele Reporter. Yes. And I think the segment is called Jabbi Man. Jabbi Man, yeah. I loved the movie, by the way. It's even I love the movie. It's one of my favorite movies, like literally. I loved it. I love Kareena. First interaction. I remember office mein meeting thi sare artists ki. Hamare show की पहली meeting थी actually. सबकी together. And मैं बैठी थी, ये आए white shirt पहनी थी, I remember. हाँ, as usual 10 minute late था मैं. हाँ, as usually ये सबसे last में आए थे. और मुझे phone आया था, सब wait कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ. At least meeting पे तो जल्दी आ जाओ. मैंने कहा नहीं मैं पहुँच गया, I'm on my, बस almost there, almost there. और तब ये घर से निकले होंगे I'm sure. अभी मुझे पता चल गया. तब तो नहीं पता था obviously. हाँ तो फिर आए थे white shirt पहन के और फिर सबसे पहले आते ही बैठे hello hello इनका जो हम हमेशा patent है दो बार hello बोला वो किया था हाँ और फिर अपना नाम हम बताया फिर सबसे पहला question उन्होंने पूछा मराठी किस किस को आती है तो मुझे तब लगा writer है because मुझे नहीं पता था that he is gonna be opposite me I swear because last moment select हुई थी mock shoot शगुन के साथ हुआ था और फिर मेरे को पता ही पूरी story अच्छे से पता भी नहीं थी because you know last moment सब हुआ था हाँ तो बच्ची भी कितनी थी उसमें कुछ पता भी नहीं होता था जो हो क्या रहा है आसपास कौन क्या बातें कर रहा है जब सबको इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये मल्हार प्ले कर रहा है नहीं तब तक कोई आया नहीं था ओके सबसे पहले आते ही इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था तो आई थॉट ही इज द राइटर फिर बाद में ऑब्वियसली याक्षिदी एंड ज़हीर ने सब बताया क्या अच्छा तो उस स्पैन उस आधे घंटे के स्पैन तक इस चले के मैं राइटर हां तो पता चला कि ज़हीर इज द राइटर तो मेरा रीजन था एक्चुअली ये पूछने का व्हाई आई आस्क्ड बिकॉज़ हमारे शो का जो बैकड्रॉप है वो मराठी है तो मुझे तो नहीं आती है मराठी मैंने कहा क्योंकि हमारे कुछ अगर नुआंसेस अगर कुछ डायलॉग्स अगर आए तो अगर मुझे किसी से मतलब कंसल्ट करना हो कोई आसपास एक्टर हो अगर उसको मराठी आती है तो इजी हो जाता है तो मैंने आते ही सबसे पहला सवाल ये इसलिए पूछा था कि यार मैं मल्हार राणे प्ले कर रहा हूँ लेकिन अगर कुछ मराठी डायलॉग्स हुए तो क्या होगा तो मैंने आते ही पूछा मराठी किसको आती है मतलब आई नीड टू नो एटलीस्ट हाँ कोई है मेरे आसपास जिससे मैं अगर कुछ पूछूँ कि ये कैसे प्रोनाउंस करना है कर सकते हैं नहीं कर सकते तो That was my reason. और मैंने जवाब भी फट से दे दिया था हाँ मुझे आती है थोड़ी बहुत राइटर समझ के I swear अगर पता होता कि ये हीरो है मेरे सामने मैं और भाव खाती honestly बोल रही हूँ I'm being very honest right now मुझे लगा था राइटर है इसलिए मैंने जवाब भी दे दिया कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत आती है भाव खाती अगर पता होता हीरो मैं बहुत भाव खाती तू भाव खाती आज हमने रिप्लाई नहीं देती मेरे ऑपोजिट काम करना था ना तुझे पर नहीं पता था ना मुझे कितनी ड्रामेबाज लड़की है देखो क्या बोल रही है मैं नहीं I'm being very honest right now पता होता मैं बहुत भाव खाती at least I'm being honest खैर मेरा तो लुक टच किसी और के साथ होता बहुत क्यूट लड़की थी वो आई नहीं वो पता नहीं अभी भी बात करते हो ना उससे है ना अभी भी बातें होती है ना उससे रोज मैं उसको मिस करता हूँ रोज मैसेज करता हूँ आई विश यू वर हियर या एंजॉय व्हेन डिड यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर Like start when are you asking when we started fighting with each other argument? नहीं तो पहले I guess we were not really that connected because अलग-अलग scenes होते थे and हमें specially इतनी creative director ने बोला था कि ऐसी hint बिल्कुल मत देना that you guys are at least मुझे बोला गया था हाँ कि हमारा कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आगे चल के कुछ होने वाला हाँ तो इसलिए ऑफ स्क्रीन भी बात नहीं करती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऑफ स्क्रीन बिकॉज़ साथ में सीन्स नहीं होते थे जस्ट किडिंग इनिशियली व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा ट्रैक बहुत स्लो आया था आई स्टार्टेड विद 7th एपिसोड तो मेरा इंट्रोडक्शन ही 7th एपिसोड में है तो उसमें उनको पता लगता है कि मल्हार राणे भी कोई है उससे पहले अथर्व और कल्याणी का ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी हो जाएगी दे आर सपोज्ड टू फॉल इन लव देन कम्स मल्हार साइको राणे I think we really like पहले जब वो थोड़ा custody नहीं और हमारे सीन भी इस तरह के थे कि स्टार्टिंग ही ऐसे हुई थी कि I am supposed to scold her take care you know scold her उसको डांट रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ डरा रहा हूँ क्योंकि बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी बदला लेने आई थी वो भी मेरी माँ से जो मेरी माँ की तरह थी जो अब इसकी माँ बन गई है तो उससे बदला लेने आई थी तो I had शादी के like I think जब शादी शूट हो रही थी उसके पहले कुछ ऐसे हमारे एक साथ सीन्स आए थे that's where we started talking okay I won't even say that we started being friends I would just say we were talking very casually and very cordially एंड शादी के बाद सब सीन साथ में आते गए एंड देन फिर तो बिल्कुल सर पे चढ़ गई। फिर तो मैं बहुत बोलती इतना बोलती हूँ दैट ही सेज मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ। नहीं नहीं इरिटेटिंग नहीं, मैं बहुत बोलती हूँ। अब मैं चुप नहीं होती। अब मुझे मेकअप रूम में कोई ढूंढता नहीं है, लाइन के मेकअप रूम में जाते कल्याणी उधर ही बैठी। लाइक फॉर इंस्टेंस अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे गायब भी हो जाऊंगा ना पता नहीं लगेगा, बोलती रहेगी। हाँ। When did your friendship started getting stronger? हाँ एक बार नहीं आई थिंक यू नो वी कब हुआ था, ही वॉज टेलिंग मी समथिंग ओनली। सो ऐसा है ना मैं कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके क्रिप करती हूँ कि मेरी इससे ये हो गई वो लड़ाई हो गई ये हो गया यार ऐसा है ये वो। सो ही स्टार्ट्स मेकिंग मी अंडरस्टैंड। तो आई गेस एक ही कोई मैं ऐसी बात लेके आई थी जिसके बारे में आई वॉज वेरी अपसेट एंड आई वॉज क्रिबिंग है ना। नाउ आई रिमेंबर हाँ यू वर क्रिबिंग अबाउट some friend of yours I remember who was a very close friend and we had some issues and then I told you how it I now remember so that was one conversation we actually bonded upon because I've had such like a similar experience before in my life so I thought let me share it with her so that's how we connected तो अपने जब भी कुछ भी ऐसा होता था I used to have anything irritating मुझे गुस्सा आ रहा है तो I used to tell him and then he used to tell me कि ऐसा होता है वैसा होता है वैसा होता है so that's where we started connecting I guess inhale exhale yeah inhale exhale who is more interactive me I have to what I am दिख भी रहा है अभी हाँ दिख भी रहा है चश्मा नहीं होता तो फिर तो किसी से भी इंटरेक्ट कर लेती है मतलब वो लेंसेज नहीं होते ना तो दूर के लोग भी इसको अपने देखते हैं उनको बुला के बात भी कर लेती है। Two activities of each other. दो चीजें रोज खाती है। Activity खाने का नहीं पूछा। Activity it's an activity to eat. No. Then? No activity like as if I do like बार-बार फोन देखना or something. हाँ वैसे activity something that you've noticed about me for the past 9 months. हर बात में मम्मी याद आती है इसको। हाँ हर बात में मुझे मम्मी या बहन जब ये फोन उठाती है ना तो ये खड़ी नहीं हो सकती। If she's received a call ना she cannot stand. She will start walking and she will not walk slow. She will walk fast. कभी कभी सेट से दूर निकल जाती है, पकड़ के लाना पड़ता है इसको। लोग छोड़े जाते हैं कि अरे वो फोन आया था वो निकल गई होगी, तो लोग भेजे जाते हैं वो पकड़ के लाते हैं 4-5, तब भी रुकती नहीं है, घूम के यू टर्न लेके वापस चलना शुरू कर देती है क्योंकि फोन तो रखा नहीं है इसने। जब तक ये फोन नहीं रखेगी खड़ी नहीं होगी। मैं एक जगह खड़े रह के फोन पे बात नहीं कर सकती हूँ। I am always walking when I'm talking on the phone. अगर लंबा फोन कॉल आएगा तो हो सकता है जेटी तक पहुँच जाएगी, मतलब आधा किलोमीटर है वो 1 किलोमीटर पहुँच जाएगी। मैं बता रहा हूँ, पता नहीं घर पे फोन आता है तो क्या करती होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बाथरूम में अगर बैठी है फोन आ गया तो या तो फिर मैं बैठ के बात करूँगी या तो फिर मैं चल के बात करूँगी, मैं खड़े खड़े बात नहीं कर सकती। हाँ नहीं, one thing I've noticed about him is that हर शॉट के पहले बाल बनाता है। Because मैं सिंस इनके रूम में रहती हूँ, हर शॉट के पहले दोपहर शॉट के पहले बाल बनाते हैं और तब भी नहीं बन पाते। हर शॉट के पहले बाल बनाते हैं and he is this obsessed person with lip balm. Yeah. Now you know why, because see what I do. Yeah. This is my bad habit. He's obsessed, like literally. रोल हो जाता है और उनके पॉकेट में एक लिप बाम रहता है, लेट मी टेल यू, और वो लगा के बस लगाते रहते हैं हर शॉट के पहले लिप बाम और हर शॉट के पहले बाल। I have a bad habit of chewing my lips. Even I do. Look at mine. So, but mine. I you can put lipstick and it hides it. मेरा नहीं छुपता है। Also, I have मतलब मुझे मेरे लिप पता नहीं क्यों, I don't know why it gets really dry, so I have a habit of it. I've agreed it. मतलब मैं खुद बता चुका हूँ ये बात सबको। Yeah, that's one thing. One good or bad habit about each other? Bad habit is that he will never tell anybody that he's upset and if he's, you know, जैसे मैं बहुत ही ऐसे एकदम बेशर्मों की तरह आके ऐसे बोल रही थी, you know what, I'm really upset. You know what, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ तोड़ना है। मैं ऐसे आके literally रूम में आके ऐसे बैठ के बोलती हूँ, but he will never do that. He'll just sit quiet or be with himself, but he'll never share his thing. That's one bad thing about you. You should at least share. I'm not saying that सबके साथ share करो, but at least the people you are comfortable with. यार, you can't give any explanations, please. I have an explanation to this also. I'm not listening to that. It's a reasonable explanation by the way. अगर मेरे पास pain है, why should I share it with someone? I can control it, handle it, and let it go within myself. I try to do it and okay, I try. Okay, from now on, I'm not telling you anything then. No, but everybody has this own way of dealing with things. Now you have a way of sharing things. We've already argued about this. Let's don't do it again. Okay. All right. One good thing is that whenever you're doing a scene with him, he'll add up a lot, and like, you know, because of that, scene बहुत अच्छे आते हैं, and he gives in everything scene में. कितनी बार खुद को चोटे पहुंचा चुकी है, देख लो यार कितना. And so he's a very good co-actor to have around you. Like, you know, he'll put in everything, and then he'll improvise, he'll tell you. ऐसे बहुत actors ऐसे होते हैं ना, सिर्फ खुद का improvise करते हैं, दूसरा इंसान गया तेल लेने. He's not like that. He'll improvise with you and just not within himself. So that's one good thing. मेरे बारे में बोलना है कुछ अच्छा. अच्छा बोलना जरूरी है. एक अच्छा एक बुरा. बुरा तो कुछ है ही नहीं इस लड़की में यार. ये लड़की लाजवाब है. क्या मतलब भगवान ने क्या पैदा किया है. ओफो. Okay, be honest now. सुनती नहीं है किसी की है. बहुत जिद्दी है और बहुत कुछ भी इसको बोलते रहो सबकी बात सुनेगी, करेगी वही जिसको करना है इवेंचुअली. चाहे वो इसके पापा बोल रहे हो, चाहे इसकी माँ बोल रही हो, चाहे वो मैं बोल रहा हूँ. वन बैड थिंग सी अभी मान नहीं रही है. जिद्दी होना अच्छा होता है लाइफ में. ओके लाइक यू नो देन इट्स लाइक यू नो कि सुनिए एक सेकंड. हाँ बोलिए प्लीज. नहीं जिद्दी होना क्या, जिद्दी होना अच्छा है. I at least feel that, you know, because जब तक आप में जिद नहीं है वो चीज़ पाने की, तब तक आप वो चीज़ पा नहीं पाओगे कभी. Like, passion, हाँ. passion और जिद में फर्क होता है. That's what I mean. खैर, मतलब ठीक है, इतनी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये कि समझदार है लड़की, तो इतना इशू नहीं है. जिद इसको पता है, इसको भी पता है कि कहाँ जिद करनी है कहाँ नहीं करनी. जहाँ इसकी चलती है वहाँ चला लेती है, जहाँ नहीं चलती वहाँ चुपचाप सुन लेती है और वैसा कर लेती है. She is that smart by the way. अच्छी चीज़ यार. आई एम ग्लैड दैट आई एम वर्किंग विद हर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी अप टू द मार्क विद हर लाइन्स, विद हर स्क्रिप्ट, विद एवरी थिंग. मतलब टू बी ऑनेस्ट आई वॉज अमेज्ड इनिशियली टू वर्क विद हर, एंड आई थॉट ओ यू नो इट वॉज इम्प्रेसिव, क्योंकि मुझे लगा था यार ये बच्ची है, इसको बोलना पड़ेगा अच्छा ऐसा इधर लुक दे दे, रोमांस में ऐसे लुक देना होता है और ये करना होता है, अच्छा जब मैं तुझे खींचूँ तो ऐसे रुकना, ऐसे टर्न. शी नोज एवरीथिंग ऑलरेडी. पता नहीं कहाँ से अपने मतलब माँ के पेट से सीख कर आई, कहाँ से सीख कर आई. शी नोज एवरीथिंग ऑलरेडी. मुझे लग रहा था कि इसको लाइट लेना भी आता. शी इज़ ब्रिलियंट. आई थॉट कि यार एक मतलब इनिशियली वन आई थॉट कि आई हैव टू वर्क विद हर और मेरे सीन्स होंगे और बच्ची है, उसको क्या लाइनें याद होंगी, मतलब मैं उसको गुस्सा भी नहीं हो सकता. मतलब ठीक है उसको, शी इज़ लाइबल टू नॉट रिमेंबर लाइन बिकॉज इट्स हर एज, और स्कूल की किताबें याद नहीं हो पाती हैं, लाइनें क्या याद होंगी. तो बट शी इज़ बेटर दैन मी इन मोस्ट ऑफ द सीन्स, एंड लाइक तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे पूछना पड़ता है मेरी लाइन क्या थी, तो कहती है तुम्हारी लाइन ये थी, तो मैं कहता हूँ ओह अच्छा थैंक यू. तो ये दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड. सो आई एम दैट्स वन रियली गुड थिंग. आई थिंक जो भी इसका कोएक्टर होगा वो हैप्पी रहेगा इसका काम करने में, एंड आई एम श्योर इट्स गोना गो लॉन्ग वे. या आर यू हैप्पी? आई एम सुपर हैप्पी. आई एम सुपर हैप्पी. हु इज अ प्रैंकस्टर? छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा तो नहीं. आज ट्राई किया था पर हुआ नहीं मुझे. छोटे-छोटे चलते-चलते गिरा दिया इसको. So he was very sleepy. Afternoon में आती है ना वो नींद खाने के बाद, तो हम लोग सोफे पे बैठे थे and he got up and he forgot his phone. तो मैंने उठा के रख दिया पाउच में और फिर पता चल गया, पता नहीं कैसे. इसकी हरकतों से ही पता लग गया, जिस तरह से घूम रही थी ना ऐसे एक्टिंग करती है, मुझे तो पता ही नहीं मेरे पास कहाँ गया फोन, मैंने तो देखा ही नहीं. उसी से समझ में आ गया यही है चोर. और इतनी 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 मासूम है, मैंने इसको आके ऐसे करके देखा ना तो खुद ही करिए किसने बताया तुम्हें. इसी के पास है, मतलब I wasn't even sure. So that's how she got caught. Lastly, message to all your lovely fans. Yeah, to be honest, it's been a journey. When we started, initially we actually thought that people might not like us because apparently show में 8-10 साल का age difference दिखाना था उनको. और एक लव स्टोरी, स्ट्रेंज लव स्टोरी है, जो ऑलरेडी मैरिड है, उसका एक बच्चा है एंड उसकी एक लड़की से शादी हो जाती है जो अभी अभी 18 साल की हुई है. तो वी वर वेरी स्केयर्ड इनिशियली. या एक्चुअली वी वर. हाँ, और हमें पता भी नहीं था कि हमारी केमिस्ट्री कैसी लगने वाली है, यू नो. और मुझे भी नहीं पता था बॉन्ड विद. हाँ, तो आई थॉट कि यार पता नहीं, मतलब हाउ वुड आई हैव रोमांस विद हर ऑन स्क्रीन. आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन. शी इज जस्ट अ यंग गर्ल. हम उसमें भी रोमांस डाल देते हैं, जिस सीन में रख के नहीं आता उसमें भी डाल देते हैं. बट इट फ्लोज विद द सीन, दैट्स व्हाई वी पुट इट. हम हमेशा सीन में जब फ्लो में होता है तभी करते हैं. और बट थैंक यू टू आवर फैंस, स्पेशली कलमा फैंस, जितने भी लोग हैं. एंड दे हैड मेड अस रियलाइज के हाउ मतलब व्हाट सीन्स आर लुकिंग गुड and what things are not working and what scene should be there, and what kind of chemistry is needed. So to be honest, हमारा romance अभी तक नहीं आया, लेकिन उससे पहले इतना romance दिख गया है. So that's the most you know, strange thing that has happened in a show for us also, for me also. मतलब I've done shows before. Romance के बाद ही romance दिखना शुरू होता है. हमारे show में romance आने से पहले romance दिख रहा है. I remember very well that शादी का बस promo आया था and people got really happy about that. So I'm glad they've accepted us and they're liking it. And TRP भी इतनी अच्छी लिखी गई है. There's more to come. And अभी तो passion आ रहा है romance में, romance भी आ रहा है. धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे. But that's how it should be, right? Yeah, actually it should be. Thank you so much. Thank you so much.